आजो भाई हिम्मत नाल आजो किरा। ओ भाई तू किवें मुंह फलाई फिरदी है? मुंह ना फलावा ते की करा वीर जी, 5 दिन रह गए तुहाडे व्याह नूं, ओ हल्ले तक नहीं आए। हुण जदों आए ना लड़न तो ना रुकियो मैनूं। लड़न तो क्या रुकूंगा, मैं तो सगा तेरे नाल लगूंगा। थोड़े व्याह तो 10 दिन पहले ही चढ़ा ली सी कड़ाही मैं, ओ हुण तक नहीं आया। आप काम करना पै रहा देख ला। ओ लै ओ आ गया वड्डियां उमरां वाला, नाले कल्ला नहीं पूरी फौज लेके आया मेरा वीर। हुण लावांगे रल के सारे भरा रौनकां। ओ चंगा होया तू भी आ गया, किथे आ ओ ठग, पिछे किधर बैठा है, किथे लुकया होया, लुकण मिचियां खेडदा मेरे नाल। मारा भाई शहीद हो गया भाई। तुहानू की दसीए सरदार साहब, लखविंदर सिंह चाइना वाले पासे चला गया सी, उत्थे शहीद हो गया। पर मेरा भाई है किते? बॉडी नहीं मिल सकी, बॉर्डर होने करके असीं उधर नहीं जा सके। हो सकता है लखविंदर सिंह की लाश बर्फ च दफन हो गई हो। तेरा इस परिवार नाल काफी है, तू कुछ दिन इत्थे रुक, असीं चलते हैं। चल वाहेगुरु मेरा मालिक, बहुत जुल्म करया सरपंच साहब रब ने, हजे कल दे जवाब खड़ी है, की बनू बेचारी। बनना बनाना की है, भरा दा बोझ भरा ही चकदा हुंदा है। खा ले भैने, भुखे रहने नाल कुछ नहीं होना, खा ले। जे है फौजी वापस आंदा तो मैं पानी का घुट बना पींदा। खा ले मेरी भैन, मन साड़ी गल, खा ले। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। दुर्नाल तो दुर गया भाई, पर मैं तो नौ रानी का दुख नहीं झल्या जांदा, उस बेचारी का की बनूं। बनना बनाना की है भाई, भाइयों का बोझ चकदे। देख जे तेनू ठीक लगे आपां पग तेजे नूं दुआ दिंदे आं, की कहना? ठीक है भाई।
अब कर दिया जीतो दे माँ पे उन्हें गल एक बारी हाथ बना लो चाहे 100 बारी पर पापू जी ए नहीं मेरे तो होना। देख पुत्त असि जो भी कह रहे हैं तेरे पले लिए कह रहे हैं, मान जा मेरी धी राणी। अपने बारे ना सही अपने आने वाले बच्चे बारे सोचती है। कोई ना ताया जी जिन्ना बच्चों के प्यो नहीं होंगे वह पलते नहीं, ये भी पल जो जी। तो पुत हूँ असी नहीं एहो तेरे मां प्यो ने, इन्हों का जो भी फैसला हो पुत तेन मनना पो। एक बार तेजे भी पूछ लो। तेजा साडा अपना पुत है, उन्हों भला साढ़े फैसले ते की इतराज हो सकता है। फिर भी सरदार जी एक बार गल तो कर लो। ठीक है मगर सिंह तू कर अपने भतीजे नाल गल। हाँ भाई। चाचा तू कह की रहा है जीतो नू मैं अपनी भैन मानदा। ओ बख्त बेचारी दा हुंदा बोलिया, ओ बोरा भर जवागड़ी कि मेरे नेपा कटूगी। ओ मेरा फौजी तेनू सके भाइया मांग प्यार करदा सी। ठीक है चाचा पर मैं पाप नहीं कर सकता, मेरू पाप कर गया ना वही बजाने वाली। ओए आज जे मेरे फौजी पुत्ता कोई सगा भाई हुंदा मैं नु आए ना छड़ के ना जांदा। ओ चाचा तू है सोच भी किवें लिया, कदे अपना खून भी बगाना होया। चाचा की दे जड़ी सूड़ी दे सिंगड़ा पे तू। एक ही किता तुहानू पता भी है कि तुसी की करन लिया हाँ की थी। तुसी जीत तुहानू अपनी भैन कहने हो। हाँ कहना मैं भैन, मैनू भी पता है पर मैं करा की किसे नहीं पता मैं कितना मजबूर हूँ। सुने नहीं चाचा की क्या बगाना भाई उसे बगाना कह दो पहला मैं मर क्यों नहीं गया। आयो रुपा और जी तो पहला मैनू क्यों नहीं चाहिए यहाँ दिल ताला देखता। वो जिंदगी बर्बाद होने लग रही थी भाभी, मेरा भाई इकला नहीं मरिया। वो मरिया नहीं आ शहीद होया, ते मैनू इस गल ते माण है। दुख तो मैनू इस गल दा है इन्हां दे प्यार दा बूटा जो मैं अपने हाथी लाया इहदी बर्बादी दा कारण भी मैं ही बन रही हां। किसे नहीं पता मैं कितना मजबूर हां, मौत जी तो पहला मैनू क्यों नहीं चक्या। पर मैं होण नहीं दूंगी चाहे मैं मरना ना पवे। लाश बना के सुटने मैनू जो भी टक्कर दुश्मन दे अज मैं करने टक्कर दुश्मन दे अज मैं करने टक्कर। लाल लहू नाल रंग तू अज बर्फा चिट्टिया रुड़िया जदों पहाड़ तो यों ना लाशा डिठिया रुड़िया जदों पहाड़ तो यों ना लाशा डिठिया। ओ कितने कुर्निया वाले नू बाचन के रामवीर पिछे चले रामवीर ओ काल सुन रामवीर रामवीर आज मैं करने अटक रे
ਮਣਾ ਦਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰਨੇ मेरे भाई को मारा था बिना मतलब लिए किस तरह छोड़ देता मैं पर तू जिंदा कैसे मैं बर्फ च दब गया सी ए मैनू उथों कढ ले तू घर चल रहा है भाई घना पंगा हो रहा है घर में तू की हो गया दस मैनू की हो गया घर बहुत जुल्म हो रहा है भाई तो बाबी का भी रो रो बुरा हाल हो रहा है भाई तू वापस चल रे भाई कोई ना कोई मर मरा जाएगा तू वापस चल
ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਸ਼ਬਦ ਅਖੁੱਟ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗੜ੍ਹ ਚ ਧੰਨ ਮਾਲ ਖੰਬੀ ਕੰਦੜੀ ਜੀ ਲਹਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਤੋਲ ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣਾ ਲਹਾ ਸੱਜਣ ਟੋਲ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਵਣਾ ਦਾ ਵੀ ਜੀਤੋ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਧੀਏ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਧੀਏ ਤੂੰ ਸਮਝਦੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੀ ਐ ਤਕਦੀਰ ਭਰਤੀ ਚੋਲੀ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਖੋ ਕੇ ਤੂੰ ਹੱਸਿਆ ਦੇ ਹੀਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਨ ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਨੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਨ ਤਾਂ ਪਿਆਰਾ ਨੀ ਸੋਹਣਾ ਸਜਣ ਪੈ ਗਿਆ ਖੋਣਾ ਦੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਚੀਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਘਰ ਚਲੋ ਤੇ ਜਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਗ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਤੁਮ ਠੀਕ ਸੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਘਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਪੁੱਤ ਭੋਗ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਆ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭੋਗ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਈ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਤੇਜੇ ਦੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਲੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਓਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੋੜਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਭ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਈ
ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਿਬੇੜੋ ਕੰਮ। ਲਓ ਮਾਮਾ ਜੀ ਫੜਾਓ ਹੱਥ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਬਣਵਾ ਲਓ।